क्या कर रहे हो? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड क्या कर रहे हो? झूठ सूद बदमाशी अय्याशी। जिस कौम में जुल्म फैल जाए, जिस कौम में बद्यांती फैल जाए, जिस कौम में झूठ फैल जाए, उसका जनाजा निकल चुका है, मारने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चों, हम इस मुल्क को बनाएं, और अल्लाह का कानून है कि अपने आप को बदलो। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। तारिक जमील से शुरू करें कहानी। मुझे फिर इकबाल याद आता है, तुझे क्यों फिक्र है ए गुल दिले सद चाक बुलबुल की, तू अपने पैरहन के चाक तो पहले अफू कर। ये जो तुम थोड़े से बच्चे बैठे हो और उधर पर्दे में बच्चियां बैठी हैं, तुम आज से इस मुल्क की फलाह के लिए जीना शुरू करो। लिहाजा हम क्या करें, जो नबूवत का तर्ज है, अपने आप को बदलो, अपने आप को बदलो। मैं इस देश में झूठ नहीं बोलूंगा, इस देश को झूठ से पाक कर दो। मैं इसमें जुल्म नहीं करूंगा, इसे जुल्म से धोक दो। मैं यहां धोखा किसी को नहीं दूंगा, इसको धोखे से पाक करो। मैं सूद पे ना पैसे रखूंगा, ना सूद लूंगा, ना सूद के कर्जे लूंगा, ना सूद पे कारोबार करूंगा। मैं अपने मां बाप के पांव धो के पीऊंगा। अपने से शुरू करें, मेरी नमाज नहीं छूटेगी। अब लड़के लड़कियां इकट्ठे पढ़ते हो, मेरी नजर कभी बेहया ना उठेगी। याद रखना मेरे बच्चों, जिसकी नजर बेहया हो जाए, दुनिया के जुनैद बगदादी उसके दिल को नरम नहीं कर सकते, उसका दिल पत्थर हो जाता है, उसमें खैर जाती है। मैं इन्हीं वादियों से निकल के मदरसों में गया हूं। मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़, मैं सिंगर था गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर पर, डांसर था। मैंने इस गलत मैंने इन अंधेरों में सफर किया हुआ है, मैंने इन उबलते गटरों का पानी पिया हुआ है। मेरी रातें ऐसी खौफनाक गुजरी हुई हैं। मैं किसी आलिम घर का नहीं था, एक बड़े जिम्मेदार का बेटा था। मेरे रब ने मेरे नसीब वहां से निकाला, मैं उसका शुक्रगुजार। अपनी जवानी को दागदार ना करना, दो टके के नहीं रहोगे। मेरे बस में नहीं है कि मैं लड़कियों की तालीम अलग कर दूं, लड़कों की अलग कर दूं, लेकिन यह तो कह सकता हूं कि अपनी नजरों को हया सिखा दो, इन्हें हया का सुरमा लगा दो, वरना मेरे रब की कसम जिल्लत के सिवा कुछ नहीं। पाकदामनी और हया जैसा जेवर कायनात में कोई नहीं ईमान के बाद। चंद दिन पहले मुझे हिंदुस्तान के लोग मिले इंडिया में, तो उनका जी हम गश्त कर रहे थे, सिखों का मोहल्ला था, तो एक बूढ़ी खातून आई, कह बेटा मेरे पुत्रों ने भी मुसलमान बनाओ। मैं मुसलमान हाँ, मैं संताली ज पकड़ी गई हूं, मैं मुसलमान, मेरी सारी औलाद सिख है, कोई ना मुसलमान बना छोड़ो। मैं आज तई ईमान अपने हां नाल लाया है। ऐसी लाखों बेटियां थी, अगर नाचना गाना ही करना था तो उन्हें जबक होने की क्या जरूरत थी। अगर सूद के बड़े बड़े निजाम चलाने थे, नाच गाने की महफिलें सजानी थी, आवारगी को तहजीब बनाना था, मेरे देश की अदालतों ने बिक जाना था। वकील की बोली लग रही हो जैसे मंडी में सब्जी की बोली लगती है, जो मर्जी खरीद ले, पैसे दे दे, कातिल भी छुड़ा दूंगा, जानी भी छुड़ा दूंगा, पैसे दे दो तेरा कब्जा बहाल करा दूंगा। जज के कलम की कीमत लग चुकी हो, इतने पैसे दे दो साइन करवा लो। अदालतें इमारतों का नाम नहीं है, अदालतें इंसानों का नाम है। जब इंसान भेड़ बकरी की तरह बिकने लगे, जब कानून के कलम की बोलियां लगें, जब मालदार के लिए और कानून हो, गरीब के लिए और कानून हो, ताकतवर के लिए और कानून हो, हुक्मरान के लिए और कानून हो, मुखालिफ के लिए और हो, अपनों के लिए और हो,
पर वो जंगल है, वो जंगल अफ्रीका का जंगल है, वो कीनिया और तंजानिया का जंगल दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। अभी देख कर आया हूं मैं, हमारी जमात चिल्ले की थी, ये उससे भी बड़ा पाकिस्तान हो या कोई देश हो, मेरा देश है, मैं उसके लिए आंसू बहा रहा हूं। पुलिस के रवैये मालदार के लिए और, गरीब के लिए और, ताकतवर के लिए और, पैसा देने वाले के लिए और, रिश्वत देने वाले के लिए और, जालिम को पूछने वाला कोई ना हो, मजलूम की सुनने वाला कोई ना हो, ये कैसी अदालतें हैं जहां मजलूम की सदा ना पहुंच सके, ये कैसा इंसाफ है कि मजलूम को इंसाफ लेने के लिए अगली नस्ल तक का इंतजार करना पड़े, ये कैसा इंसाफ है जहां घर बिक जाएं, जायदादें बिक जाएं और फिर भी वकील की फीस पूरी ना हो। हमारे बुजुर्गों ने बहुत अच्छा ख्वाब देखा, बड़े जबा हुए चमन में तख्त पर जिस दम शहे गुल का तजम्मुल था, हजारों बुलबुलें थी बाग में एक शोर था गुल था, खुली जब आंख नरगिसी न था जुज खार कुछ बाकी, पता था बागबां रो रो यहां गुंचा यहां गुल था। अपनी तारीख पढ़ो अल्लाह के वास्ते, तुम भी कैसे नादान नस्ल हो हमारी कि सिर्फ पैसा बनाने को अपनी जिंदगी की मंजिल बना के भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो, पैसा ही सब कुछ, दौलत ही सब कुछ, इज्जत ही सब कुछ, शोहरत ही सब कुछ, ऐसी बेकार जिंदगी, ऐसी बेमकसद जिंदगी, एक मौत है जो पीछे लगी हुई है, ये शमे गुल हो जाएंगी, ये बोलती जबान हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी, कानों के टेलीफोन के तार कट जाएंगे, ये सफेद लिबास पहना हुआ जिस्म लट्ठे के कफन में लपेट कर मिट्टी में मिट्टी कर दिया जाएगा, फिर एक दिन आएगा कि तेरे जिस्म को खाने वाले कीड़े भी मिट्टी में मिट्टी हो जाए। अजल ही ने छोड़ा न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सफाती बिहारा, हर एक लेके क्या क्या न हसरत से दारा, पड़ा रह गया सब यूं ही ठाट सारा, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, इबरत की चाह है तमाशा नहीं। 6 लाख इंसान जबा हुए, तो मुझे कभी ख्याल आता है कि ये उम्मत अल्लाह के सामने पेश होगी, अल्लाह के नबी के सामने पेश होगी, और पाकिस्तानी 6 लाख के सामने भी पेश होंगे, और उनके हाथ होंगे और हमारे गरेबान होंगे कि जालिमों हमारी बेटियों की इज्जतें निलाओ, सतलुज हमारा कब्रिस्तान बना, रावी की लहरों ने हमें कफन पहना, चनाब की मछलियों के पेट हमारी कब्रें बने, हमारी हड्डियां गहरा अरब में जाके गिरी, हमारी मासूम बच्चियां आज भी कुफर की कैद में जिंदगी गुजार के, उनके बच्चे जनते 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 रोजाना उनके जमीर पे क्या क्यामतें टूटती होंगी। सारी दुनिया फिरी है, ऐसा खिता कहीं नहीं देखा, ऐसा खिता कहीं नहीं देखा, ऐसी खैर की शक्लें कहीं नहीं देखी, ऐसे इल्म वाले, ऐसे जोहद वाले, ऐसे नौजवान, बुराई अगरचे है लेकिन जो खैर का पहलू मैं इस मुल्क में देखता हूं पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखा, पूरी दुनिया में। तो मेरे अजीजो, हम अपने अल्लाह से इस नेमत के शुक्राने में वो करें जो अल्लाह हमसे चाहता है, हम इस मुल्क को ठीक करें कहां से, तारिक जमील से, वहां वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, इसको बंद कर दो, वो देखो की कर गया, वो की कर गया, अंधे हो जाओ, बहरे हो जाओ, गूंगे हो जाओ, अपने ऐब देखो, अपने ऐब सुनो, जमीर की आवाज सुनो, दिल की धड़कों से उठने वाली बातें सुनो, और फिर कुरान सामने रखो, कुरान पढ़ो, तुम सबसे कहता हूं कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, ताकि मिंबर पर बैठने वाले का तुम्हें पता हो कि ये हमें पैगाम दे रहा है या आग लगा रहा है, या हमें नफरतों में धकेल रहा है या मोहब्बत के फूल दे रहा है। और अपने नबी की जिंदगी पढ़ो, अपने नबी की जिंदगी पढ़ो। मैं किसी फिरके का तर्जुमान नहीं हूं, मैं इस्लाम का तर्जुमान हूं, मैं इस्लाम का तर्जुमान हूं। ये भड़कती आग है, इसने सारे खिरमन को जला दिया है, मैं अकेला कहां तक बोलूं और क्या क्या बोलूं, लेकिन मेरे सामने एक वाक्या है कि जब इब्राहिम अलैहि सलाम की आग भड़काई गई तो गिरगिट किरला वड्डा किरला उसने आके फूके मारी, फूके नाम मुरादा तेरी फूका नाल कड़ी अग बज जावनी,
लेकिन ऐसी नहुसत उसके लिए मुकद्दर में आई कि मेरे नबी ने फरमाया जहां गिरगिट मिले उसे कत्ल किया जाए। गिरगिट ज्यादातर अफ्रीका में बहुत है, हमारे जंगलों में होता है, शहरों में नहीं। कबूतर ने क्या किया, उसने चोंच में पानी भरा और जाकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग के ऊपर गिराया। देखा मेरे को पूछनी तो कोई नहीं पर मेरा ना पहले के मुजावन आ ले आज। तो मेरे अल्लाह ने कबूतर की ऐसी मोहब्बत डाली लोगों के दिलों में कि हरमैन में कबूतर के सिवा कोई परिंदा खोई। हजारों परिंदे गुंबद खिजरा का तवाफ कर रहे होते हैं, हजारों हजारों कबूतर बैतुल्ला का तवाफ कर रहे होते हैं, हजारों कबूतर मस्जिद नबी का तवाफ कर रहे होते हैं और सारी दुनिया से आने वाले मुसलमान उनको दाना डाल रहे हैं, दाना डाल रहे हैं। ये उस कबूतर की तुफैल है जिसने दो चोंच पानी गिराया था। मैं कुछ नहीं हूं, मैं एक कबूतर हूं जो दो चोंच पानी गिरा रहा हूं। इस भड़कती आग को मैं नहीं बुझा सकता, लेकिन मैं इस आग में, इस आग को मैं फूंक नहीं मार सकता। मैं फूंक मारने वालों में अपना नाम नहीं लिखाना चाहता। मैं अल्लाह के रसूल के दरबार में पेश होकर कहना चाहता हूं, या रसूल अल्लाह, मैंने तो आपकी उम्मत को जोड़ने की कोशिश की थी, अगर तुम्हारी मर्जी शिया बनो, सुन्नी बनो, बरेलवी बनो, देवबंदी बनो, वाबी बनो, जो मर्जी ढोल बजाओ, अरे मुसलमान बन के रहो, मुसलमान बन के रहो, उम्मत बन के रहो, उम्मत बन के।